महात्मा गांधी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजाराम को लेकर जम्मू कश्मीर की जनता एवं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग खबर में बने रहने के लिए जो भाषा बोल रहे हैं, आज़ादी के बाद देश के बंटवारे की जो भाषा है, ऐसी ही भाषा कभी मोहम्मद अली जिन्ना बोला करते थे, आज के दिन में ओवैसी और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग बोल रहे हैं। वहीं भाजपा सांसद ने महबूबा मुफ्ती को भाषा पर नियंत्रण रखने की सलाह दी। साथ ही महबूबा मुफ्ती के बयान के उलट फारूक अब्दुल्ला के लिए बयान का समर्थन करते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला के पुत्र हैं। फारूक अब्दुल्ला ने शेख अब्दुल्लाह के पुत्र होने का धर्म निभाया है। ये कुछ लोग खबर में बने रहने के लिए जो भाषा बोल रहे हैं, वो भाषा मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आज़ादी के बाद देश का बंटवारा का जो भाषा है, ऐसे ही भाषा कभी मोहम्मद अली जिन्ना बोला करते थे, जो आज के दिन में ओवैसी बोल रहे हैं, मुफ्ती जैसे बोल रहे हैं। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग भारत के बंटने के बाद जितना दुखी हुए थे, अब वो स्थिति नहीं रही। भारत में बंटवारा के बाद भी जितना मुसलमान रह गए, अभी दुनिया के दूसरे देश में इतना मुसलमान नहीं है। तो मुसलमानों के नेतृत्व को अपने से संबद्ध करने के लिए या नेतृत्व करने के लिए ओवैसी या मुफ्ती मोहम्मद अली जिन्ना के बंटवारे का समय के जो भाषा बोल रहे हैं, वो अपने लिए खतरा पैदा करते हैं और देश के लिए भी एक वैमनस्यता का वातावरण पैदा कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस भाषा को नियंत्रित करें, और भाषा पर नियंत्रण करके ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। भाषा को का निवेदन नियंत्रण पूर्वक होना चाहिए, मेरा उनसे ये निवेदन है। फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर उनका जो तर्क था वो महबूबा मुफ्ती के अगेंस्ट था। उनका ये कहना है कि हमारा भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है, अगर हिंदू जो है अजमेर में जा सकता है और वो मुसलमान नहीं बनता, तो अगर मैं भजन गाता हूँ तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं भजन गाता हूँ। फारूक अब्दुल्ला के वर्तमान समय में ऐसी परिस्थिति में जो बात कह रहे हैं मेरे साथी हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। और फारूक अब्दुल्ला उस खानदान के हैं जिस खानदान वो शेख अब्दुल्ला के पुत्र हैं, वो उन्होंने अपने शेख अब्दुल्ला के पुत्र होने का पुत्र धर्म का निर्वाह किया है कि देश के बंटवारा के बाद भी शेख अब्दुल्ला भारत के साथ तमाम असहमति के बाद भी जुड़े रहे, और फारूक अब्दुल्ला भी भारत के साथ पूरी तरह आत्मीयता के साथ अपना संबद्धता रखते हैं। मैं इसलिए उनके इस विचार से पूरी तरह सहमत हूँ। गजोधर के नाम से फेमस रहने वाले हास्य कलाकार राजेश श्रीवास्तव का आज निधन हो गया, पूरा देश दुखी। गाजीपुर की शादी द होटल ग्रैंड पैलेस, शादी हो, इंगेजमेंट हो, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी या किट्टी पार्टी, या हो कोई मीटिंग, आपके पार्टी में भर दे जान। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ 3 बैंक्यूट हॉल, लजीज व्यंजन से संपन्न शानदार रेस्टोरेंट, आपके पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए बड़ा सा लॉन और पार्किंग की सुविधा, जरूर पधारिए द होटल ग्रैंड पैलेस, चुंगी हीरो एजेंसी के सामने, लंका गाजी का।